हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ वुल्फ गेम को। जी हाँ, अगर ये गेम आपको पसंद रहे, अगर आपने मेरे को कमेंट में बताना तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करके रखूँगा। तो यहाँ पे पहले लोड होने देते हैं। एंड थैंक यू गाइज, हमारा चैनल 23 सब्सक्राइबर गेन कर चुका है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। एंड यहाँ पे गेम लोड हो चुका है। एंड यहाँ पे पहले मेरे को बोल रहा है कुछ चीज़ें डाउनलोड करने के लिए, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको डाउनलोड नहीं करता हूँ, इसलिए स्टार्ट को दबा देते हैं। एंड यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन आ चुका है, उसको लोड होने देते हैं। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को एक लाइक कर देना, जिससे तुम्हारे भाई को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो दिल से बुरा लगता है भाई। तो यहाँ पे लोडिंग गेम हो रहा है। एंड ये गेम ऑनलाइन है। अगर इस गेम को स्टोरी को जानते हैं चलो, यहाँ पे प्राइवेट पॉलिसी को क्लेम कर लेते हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोडिंग और ले रहा है। एंड लग चलो, यहाँ पे हमारा स्टोरी चालू हो चुका है। ओह भाई, कितना सुंदर नज़ारा है, देखो। ओह, ईगल उड़ रहा है आसमान में, लेकिन इतने भाई यहाँ पे अच्छा, ये शायद हमारा कैरेक्टर है। ओवर द लॉन्ग ईयर्स इट हैज, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। ओह भाई साहब, क्या सीन आ रहा है यार। सारे के सारे वुल्फ मिलके एक रैबिट के पीछे भाग रहा है। एंड ये शायद इनका ग्रुप है, ठीक है, अदर रोल। ओके, यहाँ पे हमारा ये वुल्फ का ग्रुप है। इस गेम में मैं वुल्फ का कैरेक्टर निभाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इनका आइस को देख सकते हो भाई, कितना रियलिस्टिक लग रहा है गेम में। मतलब गेम तो पता नहीं है अभी, भाई साहब शायद ये नॉर्थ पोल में भाग रहे हैं या अंटार्कटिका, कहाँ पे भाग रहे हो यार, इतना स्नो ही स्नो हो रखा है। भाई साहब जमीन देखो भाई, पूरा सवाना जैसा फील आ रहा है यार। They're calling out to their companions right now. कितना सुंदर नजारा है भाई। They're calling out their companions right now. Okay. यहाँ पे a thrilling chase is about to take place in one of his wilderness. Wolf King Charlie is taking his newly adult son Alpha out of a hunt. अच्छा, यहाँ पे जो गेम में कैरेक्टर है फर्स्ट जो वुल्फ किंग है, शायद ये हमारा पिताजी है या शायद इस कैरेक्टर का पिताजी है। एंड अल्फा जो कि मैं हूँ, ठीक है, मतलब मेरा कैरेक्टर का नाम है अल्फा किट्टे का। अच्छा, ये हमको मतलब अल्फा का फादर अल्फा को हंटिंग सिखा रहा है, ठीक है। तो सामने अल्फा ने बोला, फादर लुक देयर आर प्रे, ओके, सम मंकीज, माय सन, माय सिली सन, गो अहेड गिव इट अ ट्राई। अच्छा, सामने हमको कुछ मंकीज दिखे थे, ठीक है। तो मैंने अपना पापा को बोला, पापा सामने कुछ मंकीज हैं। तो मेरा पिताजी ने बोला कि जाओ जाके ट्राई करो, ठीक है। तो हम जाएंगे एक ट्राई करने। यहाँ पे अटैक का ऑप्शन आ रहा था, क्लिक कर दे। ओ भाई साहब, मंकी तो भाग गए यार। भाई अल्फा डिड यू गेट इट, दे क्लाइंबड अप द ट्रीज इन नो टाइम एंड इवन पिक पीसेस एट मी इन अ प्राउड मैनर। टी टॉप्स। अच्छा, मतलब अल्फा पापा को बता रहा कि मैं कोशिश करने गया लेकिन मंकीज ऊपर भाग गए पेड़ के ऊपर। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड माय सन, लेट मी टेक यू। अच्छा, मतलब हमें भी कुछ भी नहीं जानता है, बेसिक भी हमको नहीं पता है इस वाइल्ड के बारे में, तो मैं हंट भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे को शायद हमको शायद उस तरफ जाना है, लेकिन यहाँ पे बड़ा सा एक नदी बह रहा है, ठीक है। तो इसको पार करने के लिए यहाँ पे एक ट्रीज को दिया हुआ है, लेकिन हमारा प्लेयर इसको देख के डर रहा है। अगर हम एक दिन अपने फेयर्स मतलब अपने डर से, मैंने मतलब क्या बोलते हैं उसको, डर से हम लड़ लेते हैं, तो बाद में चल के हमको और डर नहीं लगेगा। भाई साहब इतना इतना डर चुका है कि इतना बड़ा छलांग लगा दिया भाई।
एंड चलो देखते हैं फादर व्हाई डजंट इट टुक केयर। ओके यहाँ पे इतना जल्दी जल्दी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पे हम फाइट सीखने के लिए अपने पापा के साथ आए हैं एंड स्मेल प्रे अल्फा कम अलोंग। ओ भाई यहाँ पे कुछ डियर्स पानी पी रहा है, ठीक है अल्फा स्टे फोकस एंड स्लो डाउन योर स्टेप्स। अच्छा हमको धीरे धीरे चलने के लिए बोल रहा है एंड द प्रे सीम्स टू बी कंपनी टुगेदर। अच्छा हमको इनको भगाना है। ओ भाई साहब मैं अलग हो चुका हूँ इनसे, मेरे मतलब मैं नदी से जा रहा हूँ एंड मेरे सामने चल रहा है इस ये भाई। यहाँ पे जंप का ऑप्शन आ रहा था, मैंने जंप करवा दिया है अपने प्लेयर को एंड वाह मेरा पापा तो मेरे से खुश हो चुका है भाई। आई एम हैप्पी फॉर यू। ओके चलो हमको इसको पकड़ना है कुछ भी करके जो भी हो जाए, ठीक है जल्दी से भागते हैं। अब भाग कितना भागेगा यार, कितना भागेगा। चलो अब इसको झपटा जाए। ओ भाई साहब एक ही झपाट में हमने इसको मार दिया है एंड यहाँ पे हमको बाइट करने के लिए होल्ड करने के लिए बोल रहा है। भाई साहब जल्दी से होल्ड कर लो, जल्दी से जल्दी से। यस हमको टैप करते हुए करते रहना है जिससे ये बाइट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस डियर को मार दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है। विल एंड माय सन नाउ डिलीवर। ओ बाबा एट द सेम टाइम अ डिफरेंस। ओ भाई साहब कितना बड़ा भालू आ चुका है यार हमको हमारे सामने। भाई इससे हमें डिफीट करना होगा। अल्फा जाइंट बियर इट डजंट, तो हमको इससे फाइट करना होगा, ठीक है। भाई साहब यहाँ पे फाइट अनलॉक हो चुका है, हमको यहाँ पे फाइट करने के लिए बोल रहा है। भाई साहब एक ही बार में इसको भगा दिया भाई। चलो ये डर चुका है, ये पूरी तरीके से डर चुका है एंड ये भाग के चला गया। फादर डिड वी विन दिस अनबिलीवेबल द जायंट बियर वाज अ मैसिव बॉडी बट इज यूज्ड बाप रे बाप जल्दी सडनली कंप्लीटेड लव एंड हाइनेस कम। भाई ये कौन है, ये कोई दूसरा जो है भाई, लगता है ये इस हाइनस का सरदार है। ओ भाई लोकी, अच्छा जो दूसरा जो वुल्फ आया है उसका नाम लोकी है, वो शायद मेरा चाचा है, शायद इस कैरेक्टर का चाचा, मेरा नहीं भाई साहब कितना गलती बोल देता हूँ, इस कैरेक्टर का चाचा है, ठीक है। मतलब इनसे हमें दुश्मनी है, ठीक है। एंड ये है हाइनस का हेड, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे फाइट लग चुका है। वॉच आउट फादर दे आर अबाउट टू अटैक। आई होल्ड देम ऑफ। अल्फा यू नीड टू गेट ऑफ हियर एंड लेट द रेस्ट आवर पैक अबाउट लोकीज। भाई साहब हमको यहाँ से भागना पड़ेगा भाई, मेरा फादर अकेले वहाँ पे सर्वाइव कैसे करेगा भाई, शायद वो नहीं बच पाएगा। भाई साहब सामने जंगल में आग लगा हुआ है भाई, इस आग में मैं अकेले घुस चुका हूँ भाई। ओ भाई जंगल में पूरी तरीके से आग लगा हुआ था, ठीक है। मैं अकेले वहाँ पे चला गया हूँ एंड हाइनस जो है मेरे पीछे पीछे आते हुए वहाँ तक ही रुक गए थे, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक लोडिंग ले रहा है एंड मैं यहाँ पे आके रुक चुका हूँ एंड हमको क्या करना है, यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ना वहाँ पे जाना है एंड सामने की तरफ में बढ़ते रहना है। आई बीन वॉकिंग एज एंड हैविंग सीन बर्ड बर्ड पिक। अच्छा हमको कुछ बर्ड मिला है, मतलब बर्ड का जो एग होता है ना वो सब नेस्टी एंड सामने भाई पूरी सारे जगह पे पूरा कोड़ा ही कोड़ा छा रखा है एंड मेरे को भाई साहब फिर से हाइनस आ चुका है यार। वो भाई हाइनस बोल रहा है अकेले एक वुल्फ आया है हमारे पास, तो हमको शायद यहाँ पे फाइट करना हो सकता है, देखते हैं फाइट करना होगा या नहीं होगा। एंड यहाँ पर यस हमको फाइट करना होगा, ये शायद हाइनस का कोई ढाबा बोल सकते हो या उनका रहने के लिए कुछ जगह। भाई वो दो है और हम अकेले हैं, लेकिन फिर भी उनसे हमारा पावर ज़्यादा है, मेरा है 106 1600
उनका है 1500 दोनों मिलके। ठीक है, यहाँ पे एक घमासान युद्ध हो चुका है, मैंने एक को हरा दिया है एंड दूसरा यहाँ पे मर चुका, मरते हुए दिख रहा है हमको भाई सब, विक्ट्री मिल चुका है। एंड चलो, पहला फाइट मैंने अकेले सर्वाइव कर लिया हूँ अपने फादर के बिना। ठीक है, एकदम अकेले मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। ठीक है, एंड सम ग्लोबल्स लास्ट टाइम लेट वेरी फर्स्ट। अच्छा, हम बहुत ही भूखे हैं शायद। ठीक है, तो हमको खाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले हमको खाना ढूंढना पड़ेगा भाई साहब। या भी क्या है, देयर आर ट्रीज विद रेड बेरीज। ओ भाई साहब, मेरे को एक पेड़ मिला है जिसमें बेरीज है। ठीक है, जिन लोगों को बेरीज नहीं पता, बेरीज होता है एक फल जो कि शायद पता ही होगा। हाँ यस, ये है फ्रूट बेरीज, इसको मैंने खा लिया है एंड फीलिंग फॉर लॉन्गर। ओ भाई, कोई हेल्प मांग रहे हैं हमसे। अच्छा चलो देखते हैं कौन हेल्प मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेज ऑफ रनिंग अराउंड द लाफ अल्फा एग्जॉस्ट बोथ मेंटली एंड फिजिकली। अच्छा, हम अभी मेंटली एंड फिजिकली ग्रोथ कर चुके हैं। सडनली अ वुल्फ हाउल प्रिपेयर्ड द एयर वॉकिंग अल्फा फ्रॉम। भाई साहब, यहाँ पे एक मेरे को एक वुल्फ का जो डरा हुआ वुल्फ का जो आवाज़ होता है मेरे को वो सुनाई दिया है। तो यहाँ पे हाइनास ने एक वुल्फ को घेर के रखा है। ठीक है, शायद वो हेल्प मांग रहा है हमसे, तो चलो उसको हेल्प करते हैं, देखते हैं कर पाते या नहीं करते। लेकिन लेकिन हमको एक ट्राई तो करना पड़ेगा, क्योंकि लड़की के सामने हीरो तो सबको बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्राई करते हैं। सम टोल टू मच लॉन्गर कैन जस्ट वॉच। ओके, तो हमको इससे बैटल करना होगा। यहाँ पे हम आ चुके हैं बैटल के लिए, यहाँ पे स्टार्ट बैटल कर लेते हैं। एंड वो तीन है और हम दो है, लेकिन फिर भी हमारा पावर जो है ज़्यादा है उनसे, देख सकते हो 3600 एंड उनका है 2600। ओके, यहाँ पे बैटल चालू हो चुका है एंड मैं हमने एक को हरा दिया है। भाई अल्फा भी मर चुका है। भाई साहब, वो तीनों ने मिलकर अल्फा को मारा था पहले, तो यहाँ पे मैं ये फाइट को हम दोनों ने मिलकर जीत लिया है। एंड जो सफ़ेद वाला जो उल्फ है उसका नाम है मून। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वेलकम। अच्छा, ये हमको कुछ वेलकम वेलकम बोल रहा है एंड मैं इससे पूछता हूँ वेर आर वी एंड हु आर यू। अच्छा ठीक है, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम है सनसील्ड वैली में एंड ये है कोनन द वुल्फ किंग। ओ भाई, माय नेम इज मून एंड अच्छा इसका नाम मूल मून है। ठीक है, एंड हमारा नाम तो अल्फा ही है। ये है सनलाइट वैली या कुछ ऐसा ही बोला था उसने, इसीलिए हाइलैंड्स हैज वेयर टू लिव लाइक वुल्फ। अच्छा, ये शायद तो लोकी का बात कर रहे हैं जो ब्लैक वुल्फ हाइनस के साथ रहता है। ठीक है, यस, वुल्फ इज लोकी बिहाइंड दिस एज वेल। ओके, हमको पता है कि वो उसके पीछे लोकी का ही हाथ है एंड दैट ही थ्रोन। अच्छा, वुल्फ थ्रोन मतलब ये जहाँ पे रहता है उसका नाम है वुल्फ थ्रोन, जो इसका पापा लीड करते हैं वुल्फ थ्रोन को। तो यहाँ पे बट यू आर इंजर्ड। अच्छा, ये अकेले जाना चाहता है वहाँ पे, लेकिन ये इंजर्ड है, यू डू नॉट अलोन रिटेक। ओके, मैं भी साथ चलता हूँ यार, मेरे भी घर नहीं है, तेरा भी घर नहीं है, साथ में चलेंगे, बहुत कुछ होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मून को हमने मून से बात कर लिया है एंड यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें मिला था चैप्टर वन से, ये जो कि ये चैप्टर वन चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मून के लिए कुछ हर्ब ले लेते हैं, जो कि मेरे को इस यहाँ पे हीलिंग हर्ब मिल चुका है कन्फर्म, दबा देते हैं मैं एंड इस हर्ब को ले जाके मून के वो दे देते हैं, क्योंकि उसका वो इंज्योर्ड है। तो जल्दी से जाते हैं एंड मून को हर्ब। ठीक है, यहाँ पे उसका जो घाव था मतलब जो अटैक हाइनास ने किया था वो भर चुका है एंड ब्लड निकालना बंद हो चुका है। एंड नाउ हमको क्या करना है, यहाँ पे तो एरियाज लॉक है, हमको बिहाइंड टेकिंग द मून हर्ब मून। अच्छा, ये साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर वन का एंड होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं इसका चैप्टर नंबर 2 को खेलूंगा। ठीक है,
तो जो भी चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाद में दिए बेल बटन को बजा देना, जिससे अगले आने वाले किसी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाए। एंड इतना देर तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को एक लाइक भी कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।